को नहीं हिलाना है, नाक से केवल सांस बाहर निकलेगा, पेट अंदर जा रहा है, आंखें बंद हो आपकी। यह है कपालभाति। कपालभाति करने से खून का जो प्रवाह है ना, ब्लड सर्कुलेशन, वह संतुलित हो जाता है। करिए। और किसी को जीवन में ना शुगर की बीमारी हो मधुमेह की, ना किसी को गठिया की बीमारी, ना किसी को साइटिका की बीमारी, ना किसी को थायराइड की बीमारी, ना किसी को माइग्रेन की, गैस कब्ज की समस्या जीवन में कभी नहीं हो। ऐसा अभ्यास करने से आपको सर्दी भी ना हो जीवन में। ये 5 बरस से छोटे बच्चों को नहीं करना है, 5 बरस से 10 बरस के बच्चों को 2 मिनट से 5 मिनट करना है, और 10 वर्ष से बड़ों के लिए 5 से 15 मिनट करना है, और 1 सेकंड में 1 बार स्ट्रोक लगे कहते रहे इसने। अब इसमें से ना कुछ बच्चा सीख जाएगा जो बता रहे हैं, एकाग्रता से समझ जाएगा, पारंगत हो जाएगा। जैसे सारे बच्चे आते हैं, कुछ इसमें से पढ़ के महान हो जाता है, कुछ बच्चे ऐसे लटक गए, सर्टिफिकेट लेके ऐसे फाइल में रख लेगा, मैट्रिक पास है, बीए पास है, एमए पास है, उसका कोई काम नहीं है। ऐसा हो कि जो कुछ जीवन में कोई बताए उसको याद कर ले, समझ ले। समझ में आया? इसका क्या नाम है? कपालभाति। योग तो बहुत बड़ा अभ्यास है। कपालभाति क्या नाम है? अब पहले वाला जो बताया सांस लेने छोड़ने वाला, वो क्या हुआ? भस्त्रिका। आप कुछ खा रहे हैं क्या बाबू? ये लाल शर्ट वाले देखिए मुंह में थोड़ा सा क्या इसे कुछ डाले का किलगम होगा, फेंक दीजिए मुंह से। अब मुंह चलेगा तो कैसे याद होगा? बोलिए, फेंक दीजिए। जो है कुछ ऐसे चला रहे हैं क्या? हो गया हो, ध्यान में लगा हो, कुछ डाल लिए ऐसे ऐसे। अगला अभ्यास करा रहे हैं आपको अनुलोम विलोम का। ऐसे ना पूरे बच्चों को मैं देख रहा हूँ, देख लेते हैं किस बच्चे का मुंह कैसे चल रहा है, किसका कौन किधर झांक रहा है, किधर किसी को डिस्टर्ब कर रहा है। यहाँ 1 लाख भी कोई बैठा दे तो एक बार में ना एक एक व्यक्ति की नजरें नहीं बच सकती। आप लोग कहते हैं ना कैमरे की नजर में आप लोग हैं, तो आप योग कराने वाले के नजरों में हैं। इसलिए ऐसा नहीं कि हम क्या कर रहे हैं हमें नहीं मालूम चल रहा है, सबको मेरे आपके ऊपर निगाह है ताकि आप लोग सीख सकें। अब अगला अभ्यास करा रहे हैं अनुलोम विलोम का, रोक दीजिए उसका।